कठुआ मामले पर फरहान अख्तर ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की मासूम से रेप और हत्या के मामले ने देश भर को झकझोर के रख दिया है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि गांव के एक मंदिर में 8 साल की बच्ची के साथ बारी-बारी से 6 लोगों ने रेप किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बच्ची की हत्या करने से ठीक पहले भी उसके साथ रेप किया था। खुलासा अभिनेता ने ट्विटर पर लिखा, कल्पना कीजिए उस 8 साल की बच्ची के दिमाग में क्या चल रहा होगा जिसे नशे की हालत में बंदी बनाकर कई दिनों तक बलात्कार और फिर हत्या कर दी गई हो। यदि आप उसे आतंक नहीं मानते हैं तो आप इंसान नहीं हैं। यदि आप उसके लिए न्याय की मांग नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। कठुआ में 8 साल की बच्ची से रेप और मर्डर मामले में बड़ा बवाल। बार एसोसिएशन ने बुलाया जम्मू बंद। फरहान अख्तर के अलावा सोनम कपूर, रितेश देशमुख, जावेद अख्तर, वीर दास, तमन्ना भाटिया ने ट्विटर के जरिए मामले की कड़ी निंदा की है। Ashamed, appalled and disgusted by fake nationals and fake Hindus. I cannot believe this is happening in my country. https://t.co/VAT26 Sonam Kapoor at Sonam Kapoor April 12, 2018 A 8-year-old is drugged, raped. We have a choice: either raise your voice or be a silent spectator. Stand up for what is right even if you are standing alone. Javed Akhtar at Javed Akhtar Jadoo April 11, 2018. Who would have thought that a day would come when protesting against mob lynching would also be considered anti-national? I'd like to see every one of you miserable scum and your army of slimy sycophants put your parties and your bullshit aside and do something to make sure that no child ever has to face what this girl did. But you won't, because you don't deserve this country. Vir Das at Vir Das April 12, 2018. Please do not turn the rape and murder of an 8-year-old into a political circus. The religion, politics of the accused or the girl should not be relevant. The only truth is that she is the victim, they are the criminals, and there is no excuse for what they have done. चौधरी अप्रैल 12, 2018। गौरतलब है कि जनवरी में हुई इस घटना में पहले आरोपियों ने बच्ची को 1 सप्ताह के लिए बंदी बनाया था। इस दौरान उसके साथ कई बार रेप किया गया। चार्जशीट में कहा गया है कि बच्ची के साथ रेप के बाद आरोपियों ने उसे पत्थर से कुचला ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि बच्ची की मौत हो चुकी है। बच्ची का शव उसके गाँव के पास के जंगल से 17 जनवरी को बरामद हुआ था, जबकि बच्ची 10 जनवरी से ही लापता थी। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक ने बच्ची का अपहरण उसका घोड़ा खोज कर लाकर देने के बहाने किया था। वीडियो अब इन सब के लिए कहां उतरती है भीड़। और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों खबरें। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और Google+ पर ज्वाइन करें। ट्विटर पर फॉलो करें।